मेरे साथ हमारी एक और स्टूडेंट काजल है, जिन्होंने अपना कोविड का टाइम कंप्यूटर सीखने, पढ़ने और पढ़ाने में स्पेंड किया। एंड काजल हमारे भी टच में थी एंड काजल ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारी नई नई चीजें सीखी और नई नई चीजें बनानी सीखी, है ना, हमारे साथ भी शेयर करा और हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करा। तो मैं चाहती हूँ कि काजल अपनी यह जर्नी शेयर करे एंड बाकियों को भी इंस्पायर करे, और हम जिस भी वे में काजल को सपोर्ट कर सकते हैं हम सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। काजल, तो आप बताओ सबको अपने बारे में। मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल बैरवा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, ढेर सारा प्यार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे आप सभी के साथ ये मौका मिला कि आप सभी को इस सुहाने अवसर पर संबोधित करने का जो मुझे मौका मिला, तो आज मुझे पता चला कि जिम्मेदारियां कितनी अहम और कठिन होती है। तो मेरे जितने भी टीचर्स हैं और मेरे जो बड़े जिन्होंने मुझे सिखाया पढ़ाया, मेरे दिल और दिमाग में गहरा असर पड़ा उनकी बातों का। उनकी दी हुई सीख की वजह से आज मैं इस योग्य हूँ कि मैं आप सबके समक्ष आ पाई हूँ उनकी शिक्षा की वजह से। तो उसके लिए मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक पॉजिटिव थिंकिंग से, कि जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं कि घबरा जाते हैं कि उनके सामने अगर चुनौतियां आ जाती है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसे लड़ नहीं पाते हैं, सामना नहीं कर पाते हैं। तो इसी चीज की आज हम स्टार्टिंग करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है और हर इंसान अपने टाइम को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हर इंसान अपना 10 दिन का काम 10 घंटे में, 10 घंटे का काम 10 दिन में और 10 मिनट का काम 10 सेकंड में करने की कोशिश करता रहता है। टाइम एक लग्जरी है, टाइम भगवान है, टाइम है जो हम किसी से मांग नहीं सकते, टाइम है हम वापस नहीं लेके आ सकते। तो जिस इंसान ने टाइम को समझ लिया तो वो मनुष्य सफल है, वो मनुष्य जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है जिसने टाइमिंग को समझ लिया। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी आप में से बहुत जो बच्चे हैं इन फ्यूचर वो 1-1.5 लाख का पैकेज रिफर करेंगे, और कुछ उनमें से बच्चे हैं जो 2.5 लाख का पैकेज या 40 लाख का पैकेज जो है वो अर्न करेंगे। तो इन दोनों बच्चों में डिफरेंस सिर्फ 1 साल की प्रिपरेशन का है कि अगर आप कुछ जिंदगी में करना चाहते हो ना, तो आपको फेलियर से डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना फेलियर से, क्योंकि फेलियर है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे कि आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर है वो 10वीं में फेल हुए थे, और धीरू भाई अंबानी है जो सबसे बड़े उद्योगपति है वो भी फेल हुए थे। बार बार हर बार जो अगर हम पास होते हैं किसी चीज में तो वो एक हेडलाइन बनती है, मगर जो इंसान हार के अगर जीतता है तो वो इंसान एक इतिहास रचता है, वो इंसान एक अपना एक नया इतिहास रचता है, उसे जाना जाता है लोगों के बीच में कि ये असफल होने के बाद भी इसने हिम्मत नहीं हारी है, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसे अपना एम्बिशियस मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि कभी भी किसी चीज से हार ना माननी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम किसी भी स्टार्टअप प्लानिंग में हम फेल हो जाते हैं, तो स्टार्टअप प्लानिंग में अगर फेल हो जाते हैं तब भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कंपनी कैसे रजिस्टर की, लोगों को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंसेस कैसे लेके आने हैं, 5 ईयर प्लानिंग। स्टार्टअप एक फेलियर आपको इतना सिखाता है जितना कि आपको आपकी कॉलेज डिग्री भी नहीं इतना सिखाती जितना आपको फेलियर सिखाती। तो आपको क्या करना है, आपके जो गोल हैं आप उनको गोल से आप अपने गोल सेट करिए और उस पे फोकस करिए, और अपने माइंड में 2-3 बार रिमाइंड करिए कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है और मुझे इसको करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब मेरे गोल के बीच में चाहे गड्ढा आए या खाई आए या चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, पर मेरे को इस चीज को पूरा करना है। अगर आप किसी चीज को मतलब आपने शाहरुख खान की फिल्म की मूवी का वो एक सीन है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो आपको मिल जाती है,
आपको इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि आपको जरूर आपको वो चीज मिलेगी। और जैसे कि निखरती है मुसीबतों से शख्सियत यारो, बिखरती है निखरती है मुसीबतों से शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस बात का। बिल्कुल ठीक बात है ये कि हमारी शख्सियत जब भी निखार लाती है, जब हम चट्टानों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनका सामना करते हैं, कि अगर हमारी लाइफ में चुनौतियां नहीं होगी ना, तो हमारी लाइफ लाइफ में होगी। हम उसको लाइफ नहीं कह सकते, क्योंकि जब हमारे सामने चुनौतियां आती है, जब भी हम परफेक्ट बनते हैं, अगर हम जैसे बचपन में होता है कि अगर हम गिरेंगे नहीं तो हम उठ के चलना सीखेंगे कैसे। तो चुनौतियों का आना भी पार्ट ऑफ लाइफ है, उससे बाहर निकलना ये आर्ट ऑफ लाइफ लाइफ है। तो हर किसी को भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। तो आज फिर तो मैंने इसी हिसाब से स्टार्ट किया था कि वो वेब डेवलपमेंट कोर्स है जो मैं बच्चों को करवाती हूँ, पढ़ाती हूँ, वो कोर्स की स्टार्टिंग 40,000 से है। तो कुछ जो जैसे कि हम भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जो कुछ स्टूडेंट है वो नहीं कर पाते हैं, उनकी इच्छा होती है करने की, तो वो जो वो कोर्स को नहीं कर पाते हैं, मतलब जो उनके सपने होते हैं वो वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। तो उस चीज को लेके हम आगे बढ़े हैं थोड़ा सा। तो मैंने स्टार्ट किया है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, होम ट्रैक और फेसबुक पेज बनाया है, काफी लोग उसमें ज्वाइन हुए हैं। मैं वीडियोस के थ्रू बच्चों को पढ़ाती हूँ और उनको इमेजेस शो करती हूँ। और अभी एक सरप्राइज है स्टूडेंट्स के लिए कि अब लाइव सेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियोस भी अपलोड कर पाई। तो मैं उन बच्चों को सपोर्ट करना चाहती हूँ जो जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, बट ये जरूरी नहीं है कि अगर उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा उन बच्चों के साथ। और आप सभी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी 1,000 से ज्यादा व्यूज जा चुके हैं, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें और मैं आपको सपोर्ट करूँ। ओके बिल्कुल काजल, आपने बहुत अच्छा बोला और बहुत ही इंस्पिरेशनल लाइंस भी आपने मतलब बीच में शेयर करी सबके लिए, बहुत अच्छा था। लास्टली मैं चाहती हूँ कि आप कुछ वर्ड शेयर करो लड़कियों के लिए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, लड़कियों के लिए। आप क्या शेयर करना चाहते हो कि वो उनको क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? बेसिकली है कि हर इंसान को पैशन के ऊपर अपना फॉलो करना चाहिए। मेरे को मैंने एक अपने सेशन में बताया था बच्चों को कि अपने पैशन को ढूंढो, उसे उसके ऊपर वर्क करो। तो एक स्टूडेंट ने मेरे को कहा कि मैम ये पैशन कहाँ मिलेगा। तो एक बात आपको मैं बताती हूँ, उसको गौर फरमाइएगा कि जैसे कि आप किसी भी शॉप में जाते हैं, तो वहां पे अगर आप दुकान पे जाते हैं और आपको शूज पसंद करने हैं, तो आप क्या करते हैं, वहां पे ट्राई करते हैं बहुत सारे शूज, और जो आपकी लिमिट होती है उस लिमिट के हिसाब से आप उस चीज को प्रिफेयर करते हैं। तो आपको सेम चीज जो करते हैं, आपको बहुत सारे प्लेसेस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको हर सब जगह अप्लाई करना है, ट्राई करना है कि मैं किस चीज में बेस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद आप फिगर आउट करिए कि मैं इस चीज में बेस्ट हूँ, और फिर मैं इस पे आपको हार्ड वर्क करना है, डे टू डे वर्क करना है, तो आप सक्सेसफुल बहुत जल्दी हो जाओगे। किसी भी चीज को अगर हम मेहनत और शिद्दत से करते हैं, तो 3 या 4 साल के बीच में हम उस चीज में पीक पर आ सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच काजल, आपने इतना अच्छी तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन करी और सबके साथ शेयर करी, और हम चाहेंगे कि हम आपके साथ आगे भी बने रहें और आपको सपोर्ट करते रहें जिस भी वे में हम आपके साथ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में हेल्प करा सके। और अच्छा काम आप करते रहो और हम आपके साथ बने रहें, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।